आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो सोहेल तिरवी साहब को मैं कहूंगा कि वो अपने ख्याल पेश करें। ठहरो ठहरो, सत्ता बनाऊंगा। वेलकम सर। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन है, हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद मांगते हैं। दुरूद सलाम उसके नबी बरहक खातिमुन नबीन गुंबज मिजरा के मकीम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल व साहब। ये एक बहुत खुशाइन बात है कि हम वकील हजरात एक नेक काम के लिए जमा हुए हैं, वरना मुशायरे और उसी में अक्सर हमारे मुसलमान ज़्यादातर नज़र आते हैं। ये जो वक्फ एक्ट को ख़त्म करके एक नया एक्ट बनाना चाहते हैं, ये बेसिकली हमारे जो हक हैं उसको छीनना चाहते हैं। ये ऐलान कर दिया है कि हम आपको नुकसान करना चाहते हैं, आप फिर भी आप हमारे साथ जुड़े रहो। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच जो इतना होने के बावजूद फिरका परस्त ताकतों के साथ बैठे हुए हैं, सिर्फ दुनियावी खुशी के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए ऐसे माहौल में भी उनके साथ बैठे हैं। ये हमारी बदकिस्मती कि हम ऐसे लोगों को निगलेक्ट नहीं करते हैं और ऑस्ट्रेसाइज नहीं करते हैं। इस किस्म के लोगों के कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो भी हम उसको हमारे फंक्शंस में शायद स्टेज पर बिठा देंगे, ऐसे हमने देखे हैं कई जगह। तो हमें ये सोच कर चलना पड़ेगा कि जो फिरका परस्त ताकतों के साथ है उनको कैसे हम दूर करें। मैंने एक एग्जांपल पिछली बार दिया था हमारे राधनपुर की मैटर में जो हुआ था 2002 के, तो उसमें एक इंसान ने फिरका परस्त ताकतों का जो था एक इंसान उसने मार दिए दो मुसलमानों को गोली से, वो इंजर्ड हो गए। उनको ले जा रहे थे रेफरल हॉस्पिटल में, एक याकूब नाम का ड्राइवर उसके पीछे सब ने पीछा किया, तो वो याकूब ने अपना टेम्पो छोड़कर वो भाग गया, वो हॉस्पिटल टेम्पो को आग लगाई, उसमें से एक इंजर्ड था वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको तलवार से मार दिए 21 इंजरीज। और पुलिस ने FIR लिखाई कि शाम शाम में पत्थरबाजी में पुलिस गोलीबार में बहना मृत्यु। फिर खैर PN नोट बताइए वो, तो FIR रजिस्टर हुई। फिर CBI इंक्वायरी के लिए जब मैटर चली तो कोर्ट ने नाम देखकर बोले ये तो सीरियस है तो दूसरे दिन सुनेंगे हम। तो दूसरे दिन सारी मैटर्स 11 से 11:30 में एडजर्न कर दी और 11:30 से 5 हमें सुना और 5 बजे ये कहा कि इस किस्म के पुलिस ऑफिसर्स को चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। और सरकारी वकील के जब बोलने का आया तो दूसरे दिन वो हॉस्पिटल जमा हो गया। इतना कमिटमेंट, ये हमारे मेन गवर्नमेंट लीडर की बात है, वही हॉस्पिटल जमा हो गए। वो झूठ भी बात हो सकती है लेकिन चले गए। तो सीटिंग बदलने के लिए 1.5-2 महीने प्लीज पीछे भाई, जो भी लोग पीछे बैठे हैं जरा थोड़ा अगवड़ता है पर जरा सुने शांति। मैं मुद्दे की बात ये कहना चाहता हूँ कि खैर वो तो उस दरमियान हमारे जो विक्टिम्स थे उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया 125 करोड़ रुपए में। उस टाइम पे 125 करोड़ बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, डीमोनेटाइजेशन के काफ़ी पहले की बात है। तो हमने तो नाराज़गी बताई कि भाई ऐसे हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे थे आपके पास एक रुपया भी लिए बिना कि आपके यहाँ बंगला बन जाए, आपकी मर्सिडीज गाड़ी आ जाए। हम इसलिए लड़ रहे थे कि दोबारा इस किस्म के बनाओ, इस किस्म के इंसिडेंट्स नहीं बने। खैर हमने तो नो ऑब्जेक्शन दे दिया, वो सब बात हो गई। लेकिन वो उसमें से दो में से एक विक्टिम था, उसका फ़ोन आया 15-20 दिन बाद कि साहब आप हमें से भूल हो गई, यहाँ तो सब मुझे मेरे गांव में राधनपुर में कोई देखता भी नहीं है मेरी तरफ, सलाम का जवाब भी नहीं देता है,
मैं मस्जिद में बैठता हूँ तो बाजू में सब किसी को सलाम किया, हाथ बताया तो सब मुंह फिरा देते हैं। वो इंसान उसके 15-20 दिन बाद यानी कि टोटल महीने के बाद तो मर गया। कहने का मतलब ये कि आप ऑस्टेसाइज करो, उसको इतना निग्लेक्ट करो, सामने से आए तो मुंह फिरा के चले जाओ कि वो इंसान के ऑर्गन्स जो होते हैं उस पर इतनी इफेक्ट हो कि वो शर्म के मारे इंसान मर जाए। हम ऐसे इंसान को सर पे चढ़ाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं कि इसने क्या हमारे खिलाफ मुखबरी की थी, इसने क्या जुबानी दी थी कोर्ट में, उससे हमारी कौम का नुकसान हो गया, ये सब बातें हम भूल जाते हैं। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये आज जो माशाल्लाह बात है, जब छिड़ी है बात, तो आर्टिकल 25 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का चलाने का हक माइनॉरिटीज को दिया है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें ये बात को उठानी पड़ेगी और दलित भाइयों को बताना पड़ेगा कि ये जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक करना चाहती है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के हक को छीन कर टेस्ट करने की कोशिश की है। तो आज मुसलमानों का ये पॉइंट है, हम डिफिकल्टी में आ रहे हैं, कल ये आपके ऊपर भी आएंगे और आप तब मानेंगे नहीं। हम जब गुजरात टुडे की वेबसाइट अभी अपडेट की है और हो रही है, लेकिन आप देखना हमने डाउन ट्रोडन के लिए पूरा एक सेक्शन रखा है, और ये देखने के बाद हमारे कुछ दलित चाहने वाले जो चांदकीड़ा एरिया में है उन लोगों ने वहाँ पर 100 कॉपी का पार्सल शुरू करवाया, जब कभी वहाँ जाता ही नहीं था 91 से। तो 2024 से चांदकीड़ा जो बिल्कुल गैर मुसलमान का इलाका है वहाँ पर वो लोग गुजरात टुडे मंगा रहे हैं। तो हमें डाउन टूडन लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि हम आप ही के साथ हैं। यहाँ पर भी जो वॉल सिटी एरिया था ओरिजिनल गुजरात अहमदाबाद, वहाँ पर भी आज की तारीख में भी आप देखिए जहाँ पर कानपुर में या रायगढ़ में सैयदवाड़ा होगा वहाँ पर ही भीलवास होगा। आपका कोई खाड़िया रायपुर में नहीं होगा वहाँ पर, आपकी कोई पोल बोल में वहाँ पर। तो हम ये समझाने की उनको कोशिश भी कर रहे हैं कि मुस्लिम्स जो इस्लाम जो है वो सब एक साथ में खड़े होकर नमाज पढ़ने वाली कौम है, हमें सिखाया गया है, ये हमें हुक्म दिया है। तो हमें सब उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन पर जब अटैक हो रहा है तो ये अटैक एक शुरुआत है, एक टपली मार रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या रिएक्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का। तो आप लोग भी अब इस मूवमेंट में जुड़ जाओ, उनको लाना पड़ेगा हमें हमारे साथ। दूसरी बात, एक इसमें और एक अहम बात है जो कि कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, तो जैसे अपराध सही साहब ने बताया कि ये कलेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स भी हम समझ सकते हैं, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, अगर ज़रा भी वो सरकार की हुक्म के खिलाफ गए तो उस दिन सीधा उसको कहीं ना कहीं डांग वगैरह आदिवासी एरिया में डाल दिया जाएगा, तो उसको करना ही पड़ता है। अभी कलेक्टर का ये काम रह गया है, मैं आपको बताऊँ कि जो CSR फंड होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में 2% जो है वो देने पड़ते चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, तो ये कलेक्टर को काम सौंपा गया है कि आप अपने अपने इलाकों में जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है CSR का फंड 2% हमारे इतने जो NGOs है उनको दिए जाए। तो ये अभी कलेक्टर्स आर वर्किंग लाइक कलेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये लोग क्या करेंगे वक्फ में हम समझ सकते हैं। तो आप और हम एक होकर इसे 13 तारीख के पहले, ये मतलब 12 को तो ईमेल मिल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा अभी आज की तारीख में हम कुछ नहीं कर सकते, हमने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर चुके हैं। हम ये एक साल से जब मूवमेंट चल रही थी, वीडियोस सर्कुलेट हो रहे थे, इनके जो IT सेल है वो लोग इस किस्म की वीडियोस वक्फ के ऊपर के सर्कुलेट कर रहे थे कि भाई इतनी पूरे इतने लाखों एकड़ ज़मीन है ये वो, तो तभी हमें अंदाज़ा आने लगा था, एक एहसास तो होने लगा था कि शायद ये आज या नहीं तो कल वक्फ एक्ट के ऊपर तराप मारेंगे। तो खैर जो हो गया सो हो गया, आज की तारीख में हमारा एजेंडा इतना ही होना चाहिए कि जो लॉयर्स की टीम ने जो बनाया है जो पॉइंट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 12 तारीख तक भेज दें,
एक्चुअली तो पर्सनली जाकर मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक मेंबर जो जेपीसी का होगा वो गैर मुसलमान, उसको ऐसे तो क्या पड़ी है कि आपके लिए सारे इतने सारे ईमेल पढ़ने बैठेगा वो। लेकिन पूरे शॉर्ट में उसको समझाना पड़ेगा कि वन पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 आपको इतना बोलना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है, आज इनकी बात है तो कल दलित की भी आएगी, तो वो दलित लीडर्स भी जो है जेपीसी में ओबीसी के हैं उनको मिलना चाहिए पर्सनली। नहीं है तो हम अभी हमारे जो दिल्ली में है उनको बोलना चाहिए कि आप पर्सनली जाकर उनको सिखाओ, बात करो, तो अपना वक्त दो। तो ये हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के 12 तारीख तक, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे उसका कोई मायने नहीं है। अगर एक्सटेंड हो गया तो अलग बात है, हम महीना एक्सटेंड हुआ तो हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को बुलाकर और अवेयरनेस ला सकते हैं। और ये एक तो ख्वातीन की जो बात है वो तो ठीक है ख्वातीन की, लेकिन मुस्लिम्स को हटाकर एक दो मेंबर्स, कुछ मेंबर्स नॉन मुस्लिम्स को भी रखेंगे वकफ की जगह मुसलमान की, वहीवट मुसलमान का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जैसा हमें राइट दिया है, तो ये भी इंस्टीट्यूट है। अब ये इंस्टीट्यूशन में आप किसी को घुसने दे तो ज़बरदस्ती, तो ये क्लॉज बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊँ कि जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज थी आज क्यों लाल किला सरकारी हो गया है, क्यों फोर्ट जो है लाल किला है, कुतुब मीनारी है, आगरा का फोर्ट है, ये सब क्यों वक्फ में नहीं है, ये क्यों मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं रही। और उदयपुर आप जाइए तो उदय मान सिंह का पैलेस है वहाँ पे, ताज को उसने लीज किया है, उसके औलाद एंजॉय करती है। सिमिलरली ये सिंधिया मध्य प्रदेश में, उनके पैलेसेस क्यों नहीं गए, वोडेयर कर्नाटका में उनके पैलेसेस क्यों नहीं गए, क्योंकि वो लोग अंग्रेज के मुखबिर बन गए थे, वो लोग अंग्रेज उन लोगों के तो आज़ादी की लड़ाई में कोई उनका रोल ही नहीं था, इसलिए उनके पहले से बरकरार है। जो आवाज़ उठाकर जिन्होंने लड़ा उनको ख़त्म कर दिया और उनके औलादों को ख़त्म कर दिया, उनकी सारी प्रॉपर्टीज ले ली अंग्रेज़ों ने। तो ये अगर हमने वफादारी नहीं दिखाई होती तो वो सारी चीज़ें हमारे पास ही पड़ी होती, लेकिन हमने मुल्क के लिए अपने आप को ख़त्म कर दिया, हमने कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में, हमने मुल्क के बारे में सोचा है। तो ये वो कौम है जो मुल्क के लिए अपनी खुशी को मतलब मार रही है। ये हमारा वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक दैट, कि ये दुनिया भी खुशी में पढ़ना ही नहीं है, एक बल्ब के झपकारे जितनी ये जिंदगी है। हमारे 2006 में एक वकील साहब ने बताया कि मेरे पास आए थे दो लोग माशाल्लाह लिया मुसलमान, लेकिन मैंने उनको बोला 2 मैटर का 2 करोड़ रुपया, तो बोले क्यों, तो बोले तुम्हारी 2 मैटर मैं लूँगा तो मेरी तो कैरियर ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमें सोचना नहीं चाहिए, ये दुनियावी खुशी में हमें नहीं गिरना चाहिए, ये शॉर्ट लाइफ है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और फीस दे के भी क्यों करना है ऐसी मैटर, जिसके घर जल गए, जिसके वहाँ 2-3 इंसान मार दिए गए, उनके पास से भी लोग खींचते हैं फीस, ये नहीं होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिदायत देने की कोशिश करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, उनको हिम्मत देनी पड़ेगी। हम बार बार आपने देखा होगा गुजरात टुडे में बार बार लोगों को उठाने की कोशिश हो रही है कि आप फरियाद क्यों नहीं करते, कहीं पे भी हेट स्पीच हुई तो जाके ने वो जो थे रेफरेंडम दे दिया, कोई मेमोरेंडम दे दिया, बस हो गई बात ख़त्म। तो आप FIR क्यों नहीं करते, आप तो वकील हो, आप वकील के सामने आना चाहिए। उन लोगों के भी जो फोटोज़ पढ़ाते हैं कि भाई आप सिर्फ एप्लीकेशन देने से कलेक्टर को कोई वो हेट स्पीच देना बंद नहीं होगा, आपके यहाँ गटर भरा गई है तो आप चलो वहाँ पे जाके ने एक अर्जी दे के आओ, अलग बात है। लेकिन किसी का मर्डर हो गया तो क्या आप ऐसा बोलोगे फोटो कि भाई हम जब 10 जन जाके ने कलेक्टर को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको FIR करनी चाहिए और FIR के लिए वकील है, अगर वकील कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है तो आप बताइए आप कहीं पर भी बोल दीजिए नाम के साथ, इसने हमारा ऐसे परेशानी थी तो भी वकील हमारे खून चूसते, वकीलों के सामने आना ही पड़ेगा।
और जो फी बिना लड़ेगा वही खिदमत हुई, वरना आप आपने तो आपका मुआवजा ले लिया, मुआवजा ले लिया। कम से कम अल्लाह देखिए, आपको आप चार गरीब का केस लड़ेंगे, लेकिन अल्लाह दूसरे दो बड़ी मैटर जो मर्डर वाली भी तो आएंगे ना, मर्डर करके भी तो आएंगे, तो आपका या तो फिर आपका जो टेनेंसी के केसेस होते हैं वो तो चालू रहता ही हमारा काम। वो जो हमारी प्रोफेशनल मैटर्स है वो तो हम थोड़ी बोलते कि भाई हम सब छाड़ के एक छोड़कर एक कोई पहाड़ी पर बैठ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम तो अपना काम जो रूटीन रहता ही है, तो हमें ये चाहिए कि लोगों को एक होकर कम्युनिटी की फीलिंग्स के साथ आगे आएं। और ये वक्फ एक्ट के बारे में जो हमारे रिजवान कादरी साहब है, हमारे ताहिर हकीम साहब है, करादी इकबाल भाई शेख साहब है, 2016 से ये लोग हाईकोर्ट में PIL करके लड़ते रहते हैं, और पुलिस ने बुलाया अभी, तो पुलिस बुलाती है तो वैसे देखा जाए तो ये छोटी बात हमको लगती है, लेकिन आपको जब समझ आता है और बुलाते हैं तो हज़ार ख्याल आ जाते हैं। मैं गुलाब खान साहब का एक नेचर अच्छा है कि हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन पुलिस को तो जो करना है ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही करेगी। लेकिन हमारे साथ एक वकील होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, तो वेल विशर भी होते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई खुदा ना खास्ता कोई रिमांड की बात आई या फिर कोई स्टेटमेंट गलत लिखते हैं तो कोई इंसान होगा तो फ़र्क पड़ेगा वकील। तो ये इन लोगों का सपोर्ट है, कम्युनिटी की फीलिंग्स है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंसान के ऐसे वकीलों का साथ देना चाहिए। और ये जो 13 तारीख के पहले अभी कोई हमारे सामने फोकस जो है ऑन 13 के बाद, क्योंकि जिस ढंग से बात चल रही है गुजरात टुडे में, पर कल के पेपर में भी देखा, वेडनेसडे को एक मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग आज फ्राइडे को थी, वो आज के अखबार में भी है, वो इसलिए कोई पेपर नहीं छापते, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि देखो दो दो दिन में थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, अभी फिफ्थ सिक्स अगर करनी होगी तो संडे को रख देंगे। तो इतने समझो FF का बटन दबा के वो स्पीड में कर रहे हैं, उनको फिक्र है कि हमको तो ये कैसे भी करके पास कराना ही है, ये विल पावर है। और फिर एडवर्टीजमेंट ये लोग जो खुद ने दी थी, फिरका परस्त ताकतों ने, समझो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स को इनवाइट करते हम इनके सजेशंस, तो ये जिनके IT सेल है इनको सब पता है कि हमने कहा किसको बदमाश लोगों को अपॉइंट किए हुए हैं, तो उनके तो ईमेल ID उनके पास होंगे ही, वो ही फ़ौरन लिख के देंगे कि ये अर्जेंट भेज दो, और फिर बता देंगे कि इंडिया के मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैव सपोर्टेड दिस न्यू एक्ट। तो ये हमें बिल्कुल चौकन्ने रहना पड़ेगा, और हम सब एक होकर इंशाल्लाह लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी, कामयाबी हमारी होगी। क्योंकि कम्युनिकेशन, आखिर में कहूँ कि कम्युनिकेशन जो है ये आपस में रابطہ रखना, मिलना, ये हमें अल्लाह ने सिखाया है, अब करके दिखाया है कि देखिए आप पहले तो अल्लाह कम्युनिकेट करना चाहता था तो पैगंबरों को भेजा इंसान से कम्युनिकेट करने, फिर एक दौर ऐसा आया कि वो जिब्राइल के थ्रू कम्युनिकेट करने लगा, जिनका जिक्र इवन क्रिश्चियंस भी मानते हैं, मुस्लिम्स और ज्यूस, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की बात आई। और जब तक ये कम्युनिकेशन का सिलसिला चलता रहा, कामयाबी उरूज हमारे हाथ रही, और आज कम्युनिकेशन बहुत बंद ही हो गया है, बहुत हमारे फासले बढ़ चुके हैं, इसलिए आज परेशानियां चारों तरफ से, जुल्म जो है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में, ये हमें झेलनी पड़ती है। किसी के सामने वाले की बात अगर उसकी दलील को आप जज करोगे सीधा, तो फैसले नहीं फासले होंगे। आपको उसकी बात का सुनकर आपकी दलील भी सामने रखनी पड़ेगी, और दोनों के सबको मिलकर आपस में रابطہ रखना पड़ेगा। सिर्फ आप उसकी दलील सुन के खुद ही जज बन के ने फैसला दे दोगे तो फैसले नहीं फासले हो जाएंगे। और हमें एक होकर इस तरीके की मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। आपने बहुत जद्दोजहद से हमारी बात सुनी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।